क्या सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा रोका जा सकता था? क्या बालासोर में जो हुआ वो दुनिया के बाकी देशों में भी होता है? दुनिया चांद पर तो बहुत पहले पहुंच चुकी, लेकिन धरती की चुनौतियों से निपटने में इंसान को कितनी कामयाबी मिली है? बालासोर जैसे हादसों को रोकने के लिए क्या दुनिया के पास कोई टेक्नोलॉजी है? अगर है तो ये कैसे काम करती है और कौन कौन से देश इसमें कामयाब हैं और भारत ऐसे हादसों को पूरी तरह से रोकने में कितने वक्त में कामयाब हो पाएगा? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। एक पटरी पर धड़धड़ाती दो ट्रेन और दोनों आसपास, दुनिया भर के रेल नेटवर्क के लिए सबसे बुरा सपना और सबसे खौफनाक हकीकत। ओडिशा के बालासोर में भी यही हुआ। क्या ये खौफनाक हकीकत रोकी जा सकती थी? एक पटरी पर दो ट्रेन कैसे रुके टक्कर? क्या बालासोर ट्रेन हादसा रोका जा सकता था? क्या एक ही ट्रेन पर आई दो ट्रेनों को टकराने से रोका जा सकता है? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली गई है जो दो ट्रेनों को एक ही पटरी पर आने के बाद टकराने से रोक सकती है? हर बड़े हादसे के बाद ये सवाल उठते हैं, लेकिन आज हम आपको इसका जवाब बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जहां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी कितनी फुल प्रूफ है और भारत इस टेक्नोलॉजी के मामले में कहां खड़ा है। यूरोप का कवच कैसे रोके जाते हैं ट्रेन हादसे? यूरोप का रेल नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड माना जाता है। जाहिर है इसकी सेफ्टी और हादसों से बचने की काबिलियत भी पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन हो या रेलवे ट्रैक पर इंसान हो या जानवर या किसी भी तरह की रुकावट, ट्रेन के ऑटोमेटिक सिस्टम के पास इसकी पूरी जानकारी रियल टाइम में मिल जाती है और इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यूरोप में इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक का नाम है RCAS, यानी रेल कोल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये तकनीक पूरी तरह से सैटेलाइट पर आधारित है। रेल ट्रैक के किनारे निश्चित दूरियों पर ट्रांसमीटर टावर लगाए जाते हैं। ट्रैक से गुजरने वाली हर ट्रेन की जानकारी इन टावर में दर्ज होती है। टावर से हर ट्रेन का डेटा सैटेलाइट तक भेजा जाता है और सैटेलाइट से उस रूट की हर ट्रेन तक ये डेटा वापस भेजा जाता है। 5 किलोमीटर के दायरे में हर ट्रेन को दूसरी ट्रेनों की जानकारी मिलती रहती है। इसके जरिए एक ट्रैक पर दो ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी निश्चित की जाती है। सुरक्षित दूरी कम होते ही दोनों ट्रेनों का इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सैटेलाइट कमांड के जरिए ही दोनों ट्रेनों के ब्रेक लगा दिए जाते हैं। इस ग्राफिक के जरिए समझिए कि सैटेलाइट के जरिए इमरजेंसी ब्रेक एक्टिवेट होने पर क्या होता है। दोनों ट्रेन सुरक्षित दूरी पर रुक जाएंगी और हादसा टल जाएगा, जबकि इस सिस्टम के ना होने पर मंजर कुछ ऐसा होता। अगर मान लिया जाए कि यूरोपियन RCAS सिस्टम भारत में होता तो बालासोर हादसा रोका जा सकता था। यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे हादसों से बचने के लिए RCAS यानी रेलवे कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद एक्सपेंसिव है, लेकिन सैटेलाइट के बेसिस पे इसकी फंक्शनिंग होती है। यूरोपियन कंट्रीज में तो ये इजीली अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन भारत जैसे देश में इसका इस्तेमाल करना बेहद एक्सपेंसिव होगा और साथ में इसका रखरखाव भी एक बड़ी चुनौती है। ट्रेन की एक ही पटरी पर दो से ज्यादा ट्रेनें हर वक्त दौड़ती रहती हैं, लेकिन इनके बीच सुरक्षित दूरी होती है। मुश्किल तब होती है जब ये दूरी कम हो जाती है और ट्रेन के ड्राइवरों को इसका पता नहीं चलता। ऐसे हालात में इस तरह के मंजर सामने आते हैं जिसे देखकर दुनिया दहल जाती है। ट्रेनों की टक्कर अमेरिका में भी 1990 तक बड़ा खतरा था, जिसके चलते अमेरिका ने अपना ट्रेन सेफ्टी सिस्टम तैयार किया। अमेरिका का कवच कैसे रोके जाते हैं ट्रेन हादसे? पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल यानी कि
पीटीसी सिस्टम की शुरुआत अमेरिका में 90 के दशक में हुई। पहले यह सिस्टम चुनिंदा रेलवे रूट्स पर लगाई गई थी, लेकिन 2015 में अमेरिका में कानून बनाया गया और इस कानून में साफ कहा गया कि पीटीसी हर एक रेलवे रूट पर लगाई जाए, जिसके बाद 2020 तक काम पूरा हुआ। इस सिस्टम के लगने के बाद अमेरिका में रेल हादसों की संख्या में भारी कमी आई है। अमेरिका में ट्रेन सेफ्टी तकनीक का नाम पीटीसी यानी पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल है। ये तकनीक हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट सिग्नल और रेडियो सिग्नल पर भी काम करती है। ट्रेन के इंजन का पीटीसी सिस्टम सैटेलाइट के जरिए पूरे रेल नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके जरिए एक ट्रैक पर दो ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी रखी जाती है। दो ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी कम होने पर पीटीसी एक्टिवेट हो जाता है और सैटेलाइट से ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कमांड आ जाती है। इसके अलावा ट्रेन के इंजन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल भी रेलवे ट्रैक की लगातार निगरानी करते हैं। अगर ट्रैक में कोई भी रुकावट है तो ये सिग्नल इस रुकावट से टकराकर वापस इंजन तक लौट आते हैं और पीटीसी डिवाइस सक्रिय हो जाती है, जिसकी बदौलत इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है और हादसा टल जाता है। अगर मान लिया जाए कि अमेरिकी सिस्टम पीटीसी भारत में होता तो भी बालासोर का हादसा रोका जा सकता था। जापान का कवच, कैसे रोके जाते हैं ट्रेन हादसे? जापान में रेल हादसे ना के बराबर होते हैं। इसकी वजह है इसका ट्रेन सेफ्टी सिस्टम, जो यूरोप के सेफ्टी सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस्ड है। जापान के सेफ्टी सिस्टम को TCAS यानी ट्रैफिक कोल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता है। इसमें सभी ट्रेनें सैटेलाइट के जरिए रेल नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। इस सिस्टम में बुलेट ट्रेन भी शामिल है। एक ट्रैक पर दो ट्रेनों के बीच की दूरी की सैटेलाइट से निगरानी होती है और सुरक्षित दूरी कम होने पर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। जापान में आखिरी बार दो ट्रेनों के बीच की टक्कर 1991 में हुई थी। इस हादसे में 42 लोगों की जान गई थी। इसके बाद बड़ा हादसा 2005 में हुआ था, जो ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुआ था। अगर मान लिया जाए कि जापान का TCAS सिस्टम भारत में होता तो भी बालासोर का हादसा रोका जा सकता था। एक ट्रैक पर दो ट्रेनों की टक्कर रोकने की कोशिश में भारत कितना आगे बढ़ पाया है? भारत का कवच, कैसे रोके जाते हैं ट्रेन हादसे? सबसे पहले साल भर पुराना ये वीडियो देखिए। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग तो सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। और अब बात भारत की। भारत में ही निर्मित स्वदेशी टीसीएस सिस्टम यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, अब एक साल पहले इसका इजाद किया गया, इसका ट्रायल भी किया गया। इसका नाम बदलकर अब कवच कर दिया गया है। पिछले दिनों रेल मिनिस्टर ने खुद ट्रेन में बैठकर इसका ट्रायल किया और ये सक्सेसफुल था। हालांकि अभी इसे लगाने में समय लगेगा और बालासोर के इस रेलवे ट्रैक पे ये लगा हुआ नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसे सब जगह लगाया जाएगा। भारत में स्वदेशी ट्रेन सेफ्टी टेक्नोलॉजी यानी कवच का ट्रायल खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 मार्च 2022 को किया था। इस ट्रायल के बाद उम्मीद तो यही थी कि बालासोर जैसा हादसा नहीं होगा, लेकिन हो गया। इसकी वजह ये है। एक साल में कवच तकनीक सिर्फ 1455 किलोमीटर रेल ट्रैक में लगाई गई, जबकि भारतीय रेलवे के ट्रैक की कुल लंबाई 68,043 किलोमीटर है। हावड़ा सेक्शन में कवच का काम 2024 में पूरा होगा। इसी सेक्शन में 2 जून को सदी का सबसे भीषण रेल हादसा हो गया। भारतीय कवच भी यूरोप, जापान और अमेरिका के ट्रेन सेफ्टी सिस्टम की तरह पूरी तरह सैटेलाइट आधारित टेक्नोलॉजी है, जो एक ट्रैक पर मौजूद ट्रेनों की निगरानी करता है और उन्हें कमांड भी करता है। इस तकनीक को पहले TCAS यानी ट्रैफिक कोल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम का नाम दिया गया था,
बाद में इसे भारतीय नाम कवच दे दिया गया। इसमें ट्रैक के किनारे के टावर के जरिए सभी ट्रेनें सैटेलाइट से जुड़ी रहती हैं और खतरे की स्थिति में सैटेलाइट से इमरजेंसी कमांड मिलता है। इस कमांड से इंजन में लगा RFID एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाती है। खास बात यह है कि कवच को 4G और 5G नेटवर्क पर भी टेस्ट किया जा रहा है। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है, तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। अब ये समझिए कि कवच जैसी तकनीक की जरूरत क्यों है। ट्रेन की लंबाई, भारी भरकम वजन और रफ्तार के चलते इसे रोकने के लिए पर्याप्त वक्त और दूरी चाहिए। अगर सही दूरी और समय पर ड्राइवर ब्रेक ना लगाए तो ट्रेन को रोकना नामुमकिन है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को रोकने के लिए 250 मीटर पहले ब्रेक लगाना होगा और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को रोकने के लिए 600 मीटर पहले ब्रेक लगाना होगा। भारत में सारे सिग्नल ऑटोमेटिक नहीं है। अगर सिग्नल में गड़बड़ी होती है तो ड्राइवर सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगा सकता और हादसे हो जाते हैं। इसीलिए कवच जैसी तकनीक काम आती है, जहां निगरानी का काम ट्रेन ड्राइवर नहीं बल्कि सैटेलाइट के जरिए एक डिवाइस करती है और हादसे रोके जा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।